कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर लिया था वोट, पूछा कब होगी कार्रवाई। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इन दिनों अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में पायलट और सीएम गहलोत के बीच की दरार बढ़ती जा रही है। पायलट भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर, गहलोत सरकार पर हमलावर है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने अपनी बातें दोहराई। पायलट ने कहा, जब हम सत्ता में आए थे तो हमने कहा था कि वसुंधरा सरकार के समय जो भी भ्रष्टाचार हुआ था हम उसे सामने लाएंगे। अब चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है, कार्रवाई होनी चाहिए। 5 साल विपक्ष में रहे तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे, इसलिए हमें वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ जिसको हम सब ने स्वीकार किया, उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ गलत होगा। पायलट ने कहा कि पब्लिक परसेप्शन बहुत जरूरी है और ये परसेप्शन नहीं बने कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर क्या है बीजेपी कांग्रेस का कर्नाटक विजय मंत्र, इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक के रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी बागलकोट में संगमनाथ मंदिर पहुंचे और कुदाल संगम तीर्थ स्थल का दौरा किया। राहुल ने यहां विधिवत पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने बसवा मंडप केंद्र में आयोजित बसव जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी अंधेरा होता है वहां उसी अंधेरे में से कहीं ना कहीं रोशनी भी निकलती है। जहां भी आपको अंधेरा दिखेगा तो उसी अंधेरे में से कहीं ना कहीं रोशनी निकलती है। राहुल गांधी ने हुबली कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार से मुलाकात की। वहीं बीजेपी कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर अपने बड़े नेताओं को उतारने वाली है। 25 और 26 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं और विधानसभा सीट प्रभारियों को एक एक सीट का जिम्मा दिया गया है, जो सभी सीटों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रोड शो, जनसभा और घर घर प्रचार की कमान संभालेंगे।